हम लोग जाने वाले हैं जयपुर के वन स्टार होटल्स में और देखेंगे क्या वो सेमी वन स्टार होटल्स हैं क्या फिर लोगों ने सिर्फ फेक रिव्यूज डाल रखे हैं। तो आज हम सारे सारे रिव्यूज चेक करेंगे और होटल को भी चेक करेंगे। तो गाइस यार ये देखो कितने सारे नेगेटिव कमेंट्स हैं। इन सभी के सभी नेगेटिव कमेंट को देखकर हमें अपने होटल को रिव्यू करना होगा। तो गाइस यार इन सारे के सारे होटल्स को हम अपने तरीके से चेक करने वाले हैं। ये टीवी सांस तो ले रही है ना, ये सांस ले रही है। और गाइस यार ये हमारा ट्विस्ट है कि हम इन सारे के सारे होटल्स को 5 स्टार रिव्यू देने का ट्राई करेंगे और हम झूठ बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, हम सबका सब सच्चाई बतानी पड़ेगी। अब तुम लोग मुझे कहोगे कि यार आखिर इस होटल में क्या दिक्कत है, मेरे को भी ऐसा ही लग रहा था पर जब तक मैंने ये रिव्यूज नहीं देखे थे। सबसे पहला कन्नुप्रिया शर्मा, रूम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, वन स्टार होटल है मेरे हिसाब से। अगला रिव्यू हेमंत प्रताप सिंह का, इट्स हॉरिबल एक्सपीरियंस विद शालीमार, ओल्ड एंड डर्टी पिलोज, ब्लैक एंड सिन बेडशीट, बिहेवियर ऑफ रिसेप्शन मैनेजर वाज नॉट सो गुड। अगला रिव्यू आशीष चौहान की तरफ से, कितनी खूबसूरत थोपड़ी है भाई, होटल शालीमार इज नॉट ए गुड वन, रूम सर्विस इज टेरिबल, द फ्लश वाज ब्रोकन एंड वाटर कीप फ्लोइंग, फ्लोर टाइल्स इज ब्रोकन इन बोथ रूम एंड बाथरूम, नो वेंटिलेशन इन रूम, दीज वेयर द मेन कंसर्न्स दैट आई फेस्ड। ये रहा हमारा प्यारा सा रूम, वन स्टार के हिसाब से तो काफी बड़ा है यार, डबल बेड हमें मिल रहा है, सिंगल बेड नहीं मिल रहा है, ये काफी अच्छी बात है। और गाइस यार यहाँ पर बात करें इस बेड की, जो कह रहे थे बहुत ज्यादा बुरा है, यार बेड सही में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है यार, कूदने में तो अलग ही मजा आ रहा था। बस यहाँ पर थोड़ी दिक्कत ये है, जो यार बेडशीट्स है, जो भी मतलब चीजें दे रखी बेड के ऊपर, वो सारी बहुत बार ओवर यूज की गई है, ढंग से वॉश नहीं है, हर एक के ऊपर बाल है, डेड स्किन से नहीं पता और क्या क्या है। ओह माय गॉड लुक एट दिस गाइस, यार यहाँ पर जो बाथरूम है वो काफी ज्यादा नीट एंड क्लीन लगा मेरे को, देख रहे हो यहाँ पर भाई वेंटिलेशन का भी अच्छे से प्रोग्राम कर रखा है, बिल्कुल साफ सुथरा है सब कुछ, ये मेरे को काफी सब कुछ अच्छा लगा है, नाइस। और साथ में यहाँ पर इतना मस्त नजारा भी है। और किसी ने ये नहीं बताया हमें कि यहाँ पर इसकी एसी काम नहीं करती है, और ऊपर से ये एसी का स्विच देख रहे हो, ये कितना ज्यादा अजीब है, ये इतना ज्यादा पुराना है, देख रहे हो स्विच, और ये जैसे तो टूटा हुआ है मेरे हिसाब से, अगर गलती से कोई बच्चे ने हाथ दे दिया तो मेरे हिसाब से करंट ही आ जाएगा, इतना ज्यादा पुराना है ये। यहाँ पर ये केबल भी कटी हुई है, यहाँ से थोड़ा दूर ही रहना और बच्चों को खास कर दूर रखना। और यहाँ पर ये पता नहीं ये वायरिंग से ये खुली क्यों छोड़ रखी है, शायद इन लोगों का मन है किसी को चिपका के छोड़ने का। डॉक्टर सुमित आ चुके हैं पूरे के पूरे चेकअप करने के लिए, ये लगाई चाबी, नाइस लाइट्स तो चस रही है, देख रहे हो कितना कूल लग रहा है तुम्हारा भाई। करे यार यहाँ पर बेड की बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है किसी की भी, ना कोई चूहा है ना ही कोई कॉकरोच है, ये काफी अच्छी चीज लगी। चलो यहाँ पर बंद करते हैं। ओ शिट ये क्या भाई, दरवाजे के अंदर ये किसने छेद किया है, नोटी हो रहा है। ये मेरे को क्या चीज मिली, ओ गाइस यार तुम ये एक बार ग्लास देखो, ये भाई साहब पता नहीं कब से साफ नहीं किया गया, कब से साफ नहीं किया गया, देख रहे हो कैसे इसके अंदर डस्ट जमी हुई है, देखो यार धूल के कण कण मेरे को नजर आ रहे हैं, ये देखो अब किसने सुट्टे जलाए यहाँ पर भाई, पूरी पूरी ये शालीमार को जला मारा है भाई। यार नींद नहीं आ रही, पता नहीं यार ऊपर ये कौन खुटखुट खुटखुट ऊपर से बार बार आवाज आ रही है। मैं काम करता हूँ, मैं देख ही लेता हूँ ऊपर है क्या। अरे यार ऊपर तो यार कुछ भी नहीं है यार, यहाँ पर तो ये पूरा कॉन्क्रीट का कर रखा है, फिर आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही यार। तो गाइस यार ये हमारा नेक्स्ट होटल महादेव होटल, बाहर से देखने में तो ये काफी सही लग रहा था पर जो रिव्यूज कह रहे हैं वो तो कुछ अलग ही हालात बता रहे हैं। नितिन कुमार, भूरा राकेश, मेमर बाबाजी, अहद पैथम और बहुत सारे अलग अलग लोग हैं सेम टाइप के रिव्यू। सबसे पहला रिव्यू जो इनका सबसे गंदा चीज बताया गया है कि यहाँ पर जो स्टाफ है और जो क्या कहते हैं रिसेप्शनिस्ट है वो बहुत गंदे तरीके से बात करते हैं, बहुत ज्यादा वल्गर लैंग्वेज में बात करते हैं, लड़ाई करते हैं आपके साथ हर चीज छोटी छोटी चीजें पे। उसके बाद इन्होंने बोला है कि यहाँ पर हर जगह गंदगी, कहने का मतलब जो आपकी बेडशीट है, जो आपके टॉवल्स है और उसके बाद आपके पिलो है, हर चीज गंदी, बिल्कुल गंदी, एक चीज भी साफ नहीं होने वाली। तीसरी चीज बाथरूम बिल्कुल गंदा होने वाला, सब कुछ गंदा होना। चौथा यहां पर चोरी भी होती है अगर ढंग से आपने सामान नहीं रखा तो, वो चीज हम देखने वाले। और कोई भी यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है और ना ही आपके रूम में कोई भी आपको प्राइवेसी मिलने वाली है। तो फिलहाल गाइस यार हमने अपना रूम ले लिया है, ज्यादा महंगा नहीं था, देखो यार यहाँ पर घुसते के साथ यार कितना कचरा है, बेड़ी वेड़ी नहीं पता क्या क्या गिरा हुआ है, पर कोई बात नहीं, चलो अपना डोर खोलते हैं।
चलो आपको जल्दी से एक छोटा सा फास्ट रूम टूर दे देते हैं। फ्लोर गंदा है और ये देखो विंडो है भाई यहाँ पर, लाइक मतलब अगर आप अंदर सो रहे हो तो बाहर से कोई भी आपको झांक के देख सकता है। और यार यहाँ पर देखो ये डस्टबिन था, साफ था, पानी दे रखा था, और पता नहीं यार ये देखो ये कितना गंदा है यहाँ पर सब कुछ। यार यहाँ पर ये टॉवल देखो, इसमें से बिल्कुल अलग ही लेवल की स्मेल आ रही हो, जैसे तो यार कितनी बार यूज किया हो पर आज तक कभी साफ भी नहीं किया गया हो यार। और गाइस यार एक रिव्यू में तो हमने पढ़ा कि यहाँ पर भाई बाथरूम के अंदर कैमरा भी है। यहाँ पर भाई जो बेड है वो सेमी बहुत ज्यादा गंदा है, क्या ही बताऊं किस तरीके से बताऊं। मेरे हिसाब से जो आप ये सामने देख रहे हो ये सिर्फ गंदगी है। देखो यार ये बेडशीट के ऊपर क्या लगा हुआ है, लाइक थूक सा लगा हुआ है। और ये बेड देखो कितने सारे होल्स है यार, लाइक जला रखा है पूरा बेड। और इतनी सारी गंदगी है, छोटे छोटे बाल है, मरे हुए मच्छर है, कीड़े हैं, और नहीं पता क्या क्या था यार बेड के ऊपर, लाइक लेटने तक का भी मन नहीं कर रहा था इसके ऊपर। ओके तो गाइस यार जो बेडशीट के नीचे जो गद्दा था उसकी हालत तुम लोग मत देखो यार, इतनी ज्यादा गंदी है, कहने का मतलब लाइक कूड़े में से उठा के लेके आए हो गद्दे को और उसके ऊपर आप सो रहे हो। तो मैं तो बिल्कुल आपको भाई कहता हूँ कि बिल्कुल गंदा यार सब कुछ। पर एक चीज इसकी बहुत ज्यादा अच्छी थी जिसकी वजह से हम इसको 5 स्टार दे रहे हैं कि यहाँ पर टीवी चल रहा था और टीवी के ऊपर हमारी फेवरेट मूवी लगी हुई थी मोहब्बतें। इसके अलावा इस होटल में और कुछ भी सही नहीं है। होटल की लिफ्ट की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, लाइक उसके अंदर ऑटोमेटिक डोर भी नहीं था, आपको हाथ से उस खिड़की या क्या बोलू शटर को बंद करना पड़ेगा, उसके अंदर आप इंजर भी हो सकते हो, इतना खराब सिस्टम है वहां पर एलिवेटर का। तो गाइस यार हमारा नेक्स्ट होटल है जिसका नाम है होटल मेट्रोपॉलिटन। जो हमारा फर्स्ट रिव्यू है वो है अन्नु सिंह की तरफ से। द रूम इज गुड बट फ्रिज इज टोटली डिस्टर्बिंग बिकॉज इट हैज रॉ मीट इनसाइड। अगला है अनूप सिंह, द बाथरूम इज सो स्मॉल। परवीन ने द शॉवर इज ब्रोकन एंड मी ऑल्सो, बहुत बुरा लग रहा है भाई। तो गाइस जो हमारा लास्ट रिव्यू है ये है मिसेज रानी की तरफ से। इन्होंने बोला है कि जब मैं पहली बार देखा था तो ये सब कुछ साफ लग रहा था, पर जब मैं पेमेंट करके आई काउंटर पे से वापस तो मैंने ढंग से देखा जब रूम को तो रूम से भी बहुत गंदा था। जैसे जो मैट्रेस थी वो बहुत गंदी थी पर उसका ऊपर का साफ लग रहा था, बाथरूम भी गंदा था और सब कुछ बहुत ज्यादा गंदा था। मैं तो फंस गई यहाँ पर आके। तो गाइस यार हमारा अगला रूम, और मुझे सही में यकीन नहीं हो रहा इतना बड़ा रूम और इसके इतने सारे नेगेटिव रिव्यूज। बाथरूम यार कितना बड़ा बाथरूम है यार, और भाई बंदे को छोटा लग रहा है बाथरूम। अबे भाई तेरे को क्या नाचना है इसके अंदर खड़ा होके, इतना तो बड़ा बाथरूम है। टीवी भी है, एसी भी है, दोनों चीज वर्किंग है। अब देखते हैं फ्रिज, जैसा कि उसने बोला था कि यार इसके अंदर उसने मीट देखा था, देखते यार। एक सेकेंड, बहुत ज्यादा गंदा है यार सेमी फ्रिज, पर इसके अंदर कहीं भी मीट तो मेरे को नजर नहीं आ रहा है। शायद यार उस बंदे को ये दिखा होगा, पर यार बहुत ज्यादा गंदा था फ्रिज, तो यार मेरे को लगता है इसके अंदर मीट होगा, पर फिलहाल नहीं है इसके अंदर कुछ भी। और ये देखो, अबे खड़ा हो ले, वीडियो बनाने आए हैं यहाँ पर, चल खड़ा हो। गाइस यार देखो कितना मस्त सोफा दिया है, सोफा काफी बड़ा, आराम से यहाँ पर सो सकते हैं हम लोग। और गाइस यार किसी ने ये नहीं बताया कि इस विंडो की तरफ से हमें इतना बड़ा व्यू दिखता है, फिलहाल तो रात हो रही है। तो गाइस जो बाथरूम है वो क्लीन्ड है पर वो वेल्ड क्लीन नहीं है, मतलब इससे पहले जो हमसे पहले कस्टमर आए होंगे उनके बाद इसको ढंग से क्लीन नहीं किया गया, इसलिए बहुत ज्यादा डर्टी है। गाइस यार बेड काफी ज्यादा सॉफ्ट है, मतलब मजा आ रहा है यार जैसे कोई 5 स्टार का बेड हो। पर गाइस प्रॉब्लम यहाँ पर ये, जो यहाँ पर चादर यूज की गई है ना उसके ऊपर स्टेन देखो कितने ज्यादा बड़े बड़े धब्बे हैं, मतलब यार इतना ज्यादा गंदा लग रहा है यार। पर से वहाँ एसी लग रहा है मस्त, बिल्कुल क्लीन वाला, पिछला वाला कितना गंदा था यार, कम से कम ठंडी ठंडी हवा तो आएगी, पिछली की तरह यार रेत तो मुंह पे उड़ के नहीं आने वाला है ना। कारपेट से वो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा बार ओवर यूज किए गए, उसके ऊपर बहुत ज्यादा डस्ट है, बहुत ज्यादा कीड़े मकोड़े हैं, बाल है, और नहीं पता क्या क्या हमें देखने को मिल रहा है, पर ठीक है उस पर हम पैर नहीं पूछने वाले। होटल में चाहे कितने भी कमी हो हमें देने पूरे 5 स्टार। तो गाइस यार सबसे अच्छी बात यहाँ पर जो वाईफाई है वो काफी अच्छा है, काफी अच्छी स्पीड आ रही है। दूसरा यार इसमें जो हमें नजारा दिख रहा है वो भी काफी सही है, काफी बड़ी विंडो दे रखी है। और लास्ट यार 1 स्टार होते हुए भी इसमें काफी बड़ा बेड और काफी बाउंसी भी है। आई डोंट नो गाइज यार हमने कहाँ की कैब कराई थी और कम कहाँ पहुंच गए, क्योंकि जो वो होटल था ना पता नहीं यार कहाँ था कहाँ नहीं था यार, उसको ढूंढते ढूंढते भाई परेशान हो गए, इसलिए यार हमने कैब छोड़ के पैदल इसको ढूंढने निकल गए, एक छोटे से एरिया में था।
फाइनली गाइस, पूरे एक दो घंटे चलने के बाद हमने फाइनली इस होटल को ढूंढ लिया है। देखो यार क्या इंटरेस्ट है होटल की, देखो मतलब ये कौन कहते हैं यहाँ पर कोई होटल है भाई। चलो हमने फाइनली इसको ढूंढ लिया है और ये देखो यार कितने अच्छे टेक्सचर बना रखे यार लोगों ने, थूक थूक के मजा आ गया कारीगरी देख के। चलो अब होटल के रिव्यूज देखते हैं। होटल शान के, दिस इज नॉट ए शान टू स्टे देयर, द रूम्स आर होरली रेटेड बाय कपल्स। यार सेटिस्फेक्शन लेवल देख रहे हो बंदे का जीरो है। अब यार जहाँ पर कपल्स आते हैं वहाँ का कैसे हो सकता है, या फिर वो एक कोई पवन सिंह की जस्ट फोटो। बहुत अच्छी लगी यार सही में, ऐसे ही रहना हमेशा जिंदगी भर, कुछ मत डालो अपनी सिकल जरूर दिखानी हर जगह। और गाइस यहाँ पर अपने लकी शर्मा, कॉकरोच इन बाथरूम, टॉयलेट इज डर्टी, डोर इज ब्रोकन एंड डोंट मिस द टीवी, दैट इज गुड वन। ओके तो यार मैं पहले काफी डर रहा हूँ और साथ में मेरा दोस्त भी, क्योंकि यार होटल की हालत सही में बहुत ज्यादा खस्ता है। देखो यार दूसरों का रूम में कैसे देख सकते हैं यहाँ से, ओ माई गॉड लगता है कोई अंदर घुसा हुआ है पहले से। और ये देखो डोर की हालत, अबे यार इसमें ताली लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप खुल जाएगा यार। देखो ये तो हिला पड़ा भाई पूरा। वोकी टोकी, कोई है क्या अंदर, ये रूम बताया था ना। हेलो कोई है तो नहीं, चलो गाइस यार कोई है तो नहीं यहाँ पर, वैसे हम पहले भी अंदर आ चुके थे। ये लगाया दरवाजा, कुंडी लगा देते हैं, वरना कुंडी बिना तो अंदर कोई भी घुस सकता है क्योंकि डोर टूटा हुआ पड़ा है। ओके तो गाइस यार यहाँ पर हम लोग अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर जो ये बेडशीट है ना, लग तो रहा है बहुत बार यूज की गई है, पर गाइस ये थोड़ी साफ है, लाइक इसके ऊपर स्टेन नहीं है, लगता है नई नई बिछाई है। थोड़ी बात करें बेडशीट की, थोड़ी बहुत चीजें है लाइक किसी ने यहाँ पर मच्छर मार के घेर रखे है, कोई बात नहीं एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर इतना गंदा भी नहीं है, थोड़ा बहुत है देखो, लाइक यहाँ पर से इसको जला रखा है और थोड़ा बहुत छेद है और तो कुछ है नहीं। और यहाँ पिलो भी बिल्कुल साफ है, कोई हेयर नहीं है पिलो के ऊपर, और बेड भी ठीक ठाक है, ज्यादा बाउंस नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे इसके स्प्रिंग हिल चुके हैं साइड बाय साइड। और गाइस यार एक और सबसे तगड़ी चीज जो मुझे यहाँ पर लगी ना वो देखो तुम लोग। अरे यार तुमने देखो जमाना हो गया होगा या फिर पता नहीं यार, पर देखो देखो 2023 में भी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जो चलता भी नहीं है यार, मतलब एंटिक पीस रखा है यहाँ पर बहुत तगड़ा वाला। और अपना एसी एकदम चलता ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है खतरनाक अपना एसी है बिल्कुल। पिलोज के अंदर चेक कर लेते हैं, ओ माय गॉड यार यहाँ पर तो गुटका थूक रखे किसी ने मेरे हिसाब से, छी डबा। पर कोई बात नहीं, भी हो कैसा भी हो हमको सबसे अच्छा लगा है वो ये ड्रॉवर है, इसके अंदर तुम एक माचिस मिलती है जिससे तुम गलत काम कर सकते हो, ये हमारे काम की नहीं है और हमने लाई भी नहीं इसे। चलो गाइस यार देखते हैं अब बाथरूम, इसकी बहुत तारीफ की गई थी। ओहो ओहो हो, अरे भाई साहब क्या किनारे में मामा थूक रखी है, टूटा हुआ शीशा लग रहा है, टूटा हुआ पंखा है और यहाँ पर एक शीशा दे रखा है जिसमें तुम थोड़ा देख लो। और ये देखो सिंक, ओ ओ माय गॉड, ये देखो टॉयलेट, मैं दिखाना नहीं चाहता बहुत गंदा। पर गाइस यार एक बात कहनी पड़ेगी, हम यहाँ से लगभग 20 से 30 मिनट बाद चेकआउट कर रहे हैं और बंदे ने कुछ नहीं बोला, हम थोड़ा लेट हो गए थे और भाई स्टाफ बिहेवियर इज रियली सो गुड मैन। चलो चलते हैं यहाँ से, ये रहा हमारा शान होटल, देखो वो लग रहा है वहां पर पोस्टर भाई, किसी को देखना हो तो याद से देखना, रात को दिखाई नहीं देता होटल ही गायब हो जाता है। तो गाइस यार हमारी लिस्ट का जो लास्ट होटल है उसका नाम है रॉयल होटल पिंक सिटी। तो गाइस यार इसका जो सबसे पहला रिव्यू है ये है प्रणव सिंह की तरफ से, इन्होंने बोला है कि जब मैंने मेक माय ट्रिप पे देखा तो इसका प्राइस 800 रुपए था, पर मैंने जब जाकर उनसे पूछा कि मेरे को होटल बुक कराना है तो उन्होंने मेरे को 200 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करे, 1000 बोला, पर मैंने मेक माय ट्रिप से ही बुक किया होटल तो इसलिए मेरे को ये होटल पड़ा 800 रुपए का। पर होटल का रूम सेमी बहुत ज्यादा छोटा था, 800 रुपए मुझे वर्थ इट नहीं लगे इस रूम के लिए, आई थिंक इसके लिए 600 इनफ। तो गाइस यार जो अगला रिव्यू यह अंजलि रावत की तरफ से, द होटल इज टू फार फ्रॉम द सिटी। तो गाइस यार माफ करना जो होटल का लास्ट रिव्यू है, पता नहीं कैसे अच्छा रिव्यू है यार, इस होटल के गंदे रिव्यू थे ही नहीं बिल्कुल भी, नाइस रूम वेल डन। अनुप कुमार की तरफ से, सुप्रभात दोस्तों, आपका स्वागत है अगले रूम में, लॉक एकदम सही है, चलो अब देखते हैं बाथरूम, ये बिल्कुल क्लीन है यार, और इसमें टॉयलेट के साथ सीट भी है बैठने के लिए, उसमें सीट भी नहीं थी, सब कुछ क्लीन है बिल्कुल। यहाँ पर साबुन भी है हाथ धोने के लिए, वहाँ साबुन भी नहीं थी, शावर भी है, गीजर भी है, टॉवल भी दे रखा है, वॉश स्टेशन भी है, नॉइस। देखते हैं हमारे रूममेट्स है क्या हमारे साथ, दिखाई तो नहीं दे रहे एक भी रूममेट्स,
रूममेट्स मैं कह रहा हूँ बिग्गू को, बिग्गू जानते हो ना जो बेड के ऊपर रहते हैं। तो गाइस यार एक भी नहीं है यहाँ पर, और बस यहाँ पर थोड़ा गिराया हुआ है किसी ने, चारों तरफ गिराया हुआ है, लगता है किसी ने मस्त यहाँ पर पकौड़े तले और सब कुछ यही गिरा दिया है। बात कर लेते हैं पिलोज की हालत, तो की पिलो भी साफ है यार, बाल तो नहीं इसके ऊपर, बाल मुझे नहीं दिख रहा है। बैक्टीरिया ये किसका है, चुड़ैल का बाल है, यहाँ पर वायरिंग छोड़ रखी है, चिपकना हो तो बता देना किसी को, और चेक करते हैं बहुत ज्यादा रेट है, बैक्टीरिया टेस्ट में सारी चीजें पता लग जाती है। पेड़ के नीचे बहुत सारा रेत है, रेत फेंक रहा है, बेडशीट को हटा के देखते हैं, इसमें डेड स्किन्स है किसी की, गाइस यार किसी की डेड स्किन्स तो नजर नहीं आ रही है, बस थोड़े बहुत हेयर फॉल है किसी के, और तो सब कुछ क्लीन है, पीछे डस्टबिन है, ये एकदम परफेक्ट है, बोल्स में बिल्कुल क्लीन है। तो गाइस यार ये वाला चाहे रूम छोटा हो पर इनने ज्यादा है, बैठने के लिए सोफा भी है, कहीं पर गंदगी भी नहीं है, बेड भी बिल्कुल साफ है, डोर टूटा भी नहीं है, बाथरूम तो बिल्कुल वेल्ड क्लीन है, हाथ में टॉवल भी है, तो इसको मैं देता हूँ पूरे 5 स्टार क्योंकि क्लीननेस है बिल्कुल भाई। तो फिलहाल गाइस यार रात हो रही है, और मैं आपको बता देता हूँ इस रूम की एक और खासियत, जैसे यार हम किसी दूसरों के बिस्तर में सोते हैं ना लाइक एक तरीके से, तो हमें खुजलियाँ होती है, जैसे कुछ होटल्स में होते हैं ज्यादा यूज ओवर यूज जो क्लोथ्स होते हैं उनमें खुजली होती है, या फिर नींद नहीं आती खुजाते बार बार, तो गाइस यार पर इसके अंदर हमें बिल्कुल भी खुजली नहीं हो रही है, बाकी जितने गए थे उससे तो सबसे ज्यादा सही है, बिल्कुल भी खुजली नहीं हो रही है। दोस्तों किसी दूसरे के बिस्तर में सोए तो ऐसा दुर्व्यवहार बिल्कुल ना करें, देखिए ऐसा ना करें यार, हम जैसे लोग भी आते हैं रहने के लिए,